हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है स्लैंग वर्ड्स। स्लैंग वर्ड्स कूल इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो कि पीपल यूज़ करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फन और ट्रेंडी वे में। ठीक है, इसका पहला है लिट। इसका मतलब होता है मीन समथिंग इज एक्साइटेड और अमेजिंग। इसकी एग्जांपल है द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट वाज लिट, द क्राउड वाज हाइप्ड एंड द म्यूजिक वाज इनक्रेडिबल। ठीक है, हाइप्ड का मतलब होता है एक्साइटेड और इनक्रेडिबल का मतलब होता है अमेज्ड। अगला है चिल। चिल्स मीन्स टू रिलैक्स और हैंग आउट। इसकी एग्जांपल है लेट्स ग्रैब सम आइसक्रीम एंड फाइंड अ चिल स्पॉट टू एंजॉय इट इन द सनशाइन। अगला है सैवेज। डिस्क्राइब्स समवन हु इज ब्रूटली होनेस्ट और फियरलेस। मतलब ये ऐसे बंदे को डिस्क्राइब करता है जो कि ब्रूटली होनेस्ट हो और फियरलेस हो। मतलब जो सच्ची बात है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दे। ठीक है, मतलब स्वीट बनने की कोशिश ना करे और मुंह पे कह दे, चाहे किसी बंदे को अच्छी लगे या वो ना अच्छी लगे। इसकी एग्जांपल है दैट कमबैक वाज सेवेज, इट टोटली शट हिम डाउन। ठीक है, कमबैक का मतलब ये होता है कि फौरन ही इमिडिएटली रिस्पॉन्स दे देना। ठीक है, मतलब किसी ने हम पे कोई कमेंट किया है तो हम उसको फौरन ही उसका रिस्पॉन्स दे दें। अगला है फोमो। स्टैंड्स फॉर फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट रेफरिंग टू द एंग्जाइटी ऑफ नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन समथिंग फन और एक्साइटेड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि किसी भी एक्साइटिंग या फन हो जिसमें, उस चीज़ को मिस कर देना, उसका फियर कि हम मिस ना कर दें। इसका एग्जांपल है शी ऑलवेज अटेंड्स एवरी इवेंट बिकॉज शी हैज़ अ सीरियस केस ऑफ फोमो। वो हर एक इवेंट को अटेंड करती है क्योंकि उसको ये फियर होता है कि वो किसी इवेंट को मिस ना कर दे, किसी भी एक्साइटमेंट को या फन को। आगे येलो है मीन्स यू ओनली लिव वंस। मतलब आप एक ही दफ़ा जीते हैं तो आपको न्यू थिंग्स को इंजॉय करना चाहिए और हर एक नई थिंग करनी चाहिए। ठीक है, इट ऑल अबाउट लिविंग थिंग्स टू द फुलेस्ट एंड हैविंग फन। एग्जांपल है आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग स्काई डाइविंग दिस वीकेंड, योलो राइट।